और देखिए बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ गुस्से के बीच कटिहार रेल मंडल के सीमावर्ती स्टेशनों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश के सीमा रेखा से सटे स्टेशनों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। स्थानीय पुलिस के साथ ही जीआरपी और आरपीएफ के जवान जो है वो गश्ती में लग गए हैं। कटिहार रेल मंडल के वरीय सुरक्षा आयुक्त कमल सिंह के निर्देश पर राधिकापुर, सिंहाबाद और हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन पर और रेलवे ट्रैक पर निगरानी बढ़ा दी गई है। कटिहार आरपीएफ कमांडेंट से बात की है न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। के बाद कटिहार डिवीजन के रेल पुलिस भी विशेष अलर्ट मोड पे है। बताते चले लगभग 231 किलोमीटर का ये जो रेल लाइन है वो बांग्लादेश सीमा से जुड़ा हुआ है और इसी को लेकर कटिहार रेल पुलिस विशेष निगरानी में है। हमारे साथ आरपीएफ कमांडेंट है, जरा बात कर लेते हैं क्या क्या विशेष निगरानी रखी जा रही है। बांग्लादेश से सटा हुआ है और इस पर तीन जगहों पर लाइन की कनेक्टिविटी है, सिंगाबाद जो मालदा डिस्ट्रिक्ट में है, राधिकापुर जो दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में है और हल्दीबाड़ी जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, और तीनों जगहों पर हमारे स्टाफ की तैनाती है और विशेष निगरानी रखी जा रही है। समन्वय बरकरार रखा गया है बीएसएफ के साथ ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। तो ये कटिहार आरपीएफ कमांडेंट थे जो बता रहे थे कि जो बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ बॉर्डर है उसमें विशेष निगरानी रखी जा रही है और जो कटिहार आरपीएफ हमेशा अलर्ट मोड पर है और बीएसएफ के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। बांग्लादेश में उपजे हालातों और हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में देश भर में हिंदू संगठन की ओर से विरोध किया जा रहा है। पटना में श्रीराम सेना ने करगिल चौक पर प्रदर्शन किया और सरकार से हिंदुओं की रक्षा की गुहार लगाई है। बिल्कुल है, पहले से भी होता आ रहा है, खतरा नहीं होता तो देवी वैष्णो देवी में अटैक क्यों होता, मंदिरों में बम क्यों फूटते, किसी का गर्दन क्यों उड़ा दिया जाता, बचाने के लिए क्या बचाने के लिए बस गुहार लगा रहे हैं और चाहते हैं कि सारे हिंदू समाज इस के लिए एकजुट।